इसराइल गजा को शफा हस्ती से मिटाने पर तुल गया है मजीद तीन सौ शहीद हो गए हैं जबकि मजमू तादाद साढ़े सात हज़ार से भर चुकी है इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है सरहद पे जैमर्स नस्ब किए गए हैं गजा में इसराइली जारियत नए मरहले में दाखिल हो गई है अल जजीरा टी वी की जानब से रिपोर्ट किया गया है इसराइली फ़ौज ने गजा में फजाई हमले बढ़ा दिए हैं मौसलती निज़ाम भी बंद कर दिया इसराइल की नाकाबंदी की वजह से गजा पहले ही ब्लैक आउट का शिकार है अल जजीरा टी वी की जानब से कहा गया

हस्ती से मिटाने पर तुल गया है मजीद तीन सौ शहीद हो चुके हैं जबकि शहदा की मजमू तादाद साढ़े सात हज़ार से बढ़ चुकी है इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई इंटरनेट सर्विस बंद है सरहद पे जैमर्स नस्ब किए गए हैं गजा में इसराइली जारत ने मरल में दाखिल हो गई है इसराइली फ़ौज ने गजा में फजाई हमले बढ़ा दिए हैं मवाती निज़ाम भी बंद कर दिया इसराइल की नाकाबंदी की वजह से गजा पहले ही ब्लैक आउट का शिकार है अल जजीरा टी वी की जानब से बताया गया इसराइली फ़ौज ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई बढ़ा दी है इसराइली हमलों में शिद्दत के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी हमास ने इसराइल की जानब रॉकेट दागे हैं अल्कसाम ब्रिगेड की जानब से बताया गया जबकि शहीद होने वालों में तीन हज़ार के करीब बच्चे सत्रह सौ से जायद खात शामिल हैं सहूनी फोर्स के हमले में अब तक सत्रह हज़ार चार सौ उनतालीस अफराद से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं ज़ख्मियों में दो हज़ार से जायद बच्चे और चौदह सौ खातन शामिल हैं फ़लस्तनी वजारत सेहत की जानब से बताया गया है आपको बताएं कि इसराइल गजा को सफ़ा हस्ती से मिटाने पर तुल गया है मजीद तीन सौ शहीद हो चुके हैं जबकि मजमुई तादाद साढ़े सात हज़ार से बढ़ चुकी है इसराइल की गजा में ज़मीनी कार्रवाई इंटरनेट बंद सरहद पे जैमर्स नस्ब किए गए हैं गजा में इसराइली जारियत नए मरहले में दाखिल हो गई है इसराइली फ़ौज ने गजा में फजाई हमले बढ़ा